ये हमारा फूजी इलेक्ट्रिक का यूपीएस है और ये हमारा स्टेबलाइजर हुआ। स्टेबलाइजर इसलिए दिया है यदि वोल्टेज ड्रॉप होगा तो ये स्टेबलाइज करने का काम करेगा, तो उसका इनकमिंग सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। और ये हमारा जो है ये आउटपुट दोनों यूपीएस को दिया गया है। और ये हमारा यूपीएस वन है और ये इसका बाईपास मैनुअल बाईपास आउटपुट वोल्टेज के लिए है और ये इनपुट सप्लाई यहाँ पे जोड़ा हुआ है और इसके अंदर में फ्यूज दिया हुआ है और ये इसका ऑपरेशन के लिए है। ऑपरेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अलार्म देखना है तो इंटर करना है मेनू बटन को, फिर अप एरो से जाना है और इनपुट वोल्टेज देखना है तो हमारा इनपुट वोल्टेज ये आ रहा है कि हम इंटर बटन दबा के बैक आएंगे, फिर ड्रॉप करेंगे। बैटरी वोल्टेज चेक करना है तो बैटरी वोल्टेज इस तरीके से ऑपरेशन करना है, फिर इंटर बटन, फिर आउटपुट चेक करना है तो हमको ये आउटपुट वोल्टेज हो गया 229 वोल्ट, फिर इंटर प्रेस करना है तो हम बैक आ जाएंगे, फिर हमारा बाईपास इंटर करना है तो ये हमारा वोल्टेज हो गया 227 फ्रीक्वेंसी है। और ये हमारा सिस्टम इन्फॉर्मेशन देखना है तो सीरियल नंबर क्लाइंट फूजी इलेक्ट्रिक का है, फिर बैक करना है। अलार्म देखने के लिए अलार्म करना है और ये हमारा जो दिया हुआ है बाईपास अभी ऑन है, ये मेंस रेक्टिफायर इन्वर्टर स्विच जब लोड आएगा तो लोड ऑन होगा, क्योंकि ये हमारा लोड पे नहीं है वन, अभी टू हमारा लोड पे है तो ये हमारा लोड इंडिकेशन लाइट जला हुआ है। तो ये हमारा इस फूजी इलेक्ट्रिक का यूपीएस का ऑपरेशन था एचएमआई का। और वोल्टेज चेक वगैरह करने के लिए यहाँ पे मल्टीमीटर लगाना आप चेक कर सकते हैं, ये बैटरी वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज और बैटरी का टर्मिनेशन यहाँ कनेक्ट करना है, ये बैटरी